सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए त्राटक पर एक प्रयोग करते हैं। एक सज्जन मुझे त्राटक के बारे में बता रहे थे, मैंने ये मोमबत्ती अपने आँख के लेवल पे करीब करीब लगा रखी है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें होता क्या है, कैसे तुम्हारी आंखें फंक्शन करती हैं। ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। ये बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए कर दे रहा हूँ। इसको इसलिए कर दे रहा हूँ कि आप मेरे आई के जो मसल्स के मूवमेंट है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊँगा कि वो कैसे हिलते और छोटे होते हैं जब आप कंसंट्रेट करते हो एक पॉइंट पर, ठीक है। तो देखिए, जैसे मोमबत्ती है, ये करीब थोड़ी सी डिस्टेंस पर होगा, आप मेरे हाथ से देख सकते हैं। मैं इधर कुर्सी पर बैठा हूँ, इस फ्लेम को हिलने नहीं देंगे, आप इसको सीधे कंसंट्रेशन से देखेंगे। मैं आज की डेट पर इतना कंसंट्रेट हो चुका हूँ कि मैं हर चीज़ देख सकता हूँ। हर किसी भी चीज़ पर मैं कंसंट्रेशन करूँ तो वैसा हो सकता है, दिन रात सुबह शाम कुछ भी। फिर भी आपके लिए ऐसे कर रहे हैं ताकि आपको आसानी पड़े। आप बिल्कुल साइलेंस हो, मैं आप बिल्कुल साइलेंस हो जाऊँगा। मैं सिर्फ तब बोलूँगा कि आँखों के मसल्स के क्या हो रहा है उसमें, वो आपको बताऊँगा बस, ठीक है। सबसे पहले आप एक खिंचाव महसूस करेंगे, आपकी जो आँखें हैं वो थोड़ी छोटी अपने आप हो गई है मेरी, और वो आँख के बिल्कुल बीचों बीच चीज़ को देख रही हैं, मोमबत्ती के, सॉरी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छींक आ गई, ये फ्लेम बड़ा हो रहा था। आँख के जो नीचे के मसल्स हैं वो थोड़े से उठे हुए हैं। फ्लेम के चारों तरफ तुम रेनबो देख सकते हो, रेनबो हट गया है, अब सिर्फ फ्लेम दिख रही है। आंख बंद कर दी, गर्दन नीचे है,
मुझे लगता है मोमबत्ती को थोड़ा पास करना चाहिए। मैं मोमबत्ती के पास जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं मोमबत्ती को पास ले आया। इस मोमबत्ती में जो जोन ऑफ नो कंबशन होती है वो बहुत साफ दिखती है। मोमबत्ती को मैं थोड़ा और पास करूंगा।
दैट वॉज ग्रेट आई एम टेलिंग यू। जो थर्ड आई होता है वो अंदर दिखाई देता है, वो ग्रीन हो जाता है, जो कैंडल फ्लेम है वो अंदर थर्ड आई के रूप में तुम्हें दिखाई देगा, बॉडी के अंदर थर्ड आई के रूप में, ध्यान से सुनना। और वो उल्टा रिवर्स भी हो सकता है, वो सीधा भी हो सकता है। उसके बाद तुम उसके चारों तरफ एक ब्लू सा वो देखोगे बादल। ये मेरा भी नया एक्सपीरियंस है, इट वॉज वंडरफुल। जब भी मुझे बताया इसे करो, शायद अच्छे बताया है। थोड़ी गर्मी मुझे लग रही है, फिर से देखते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है, आप उसे डरिए नहीं इससे। क्योंकि मोमबत्ती की डिस्टेंस आप देख लीजिएगा, मैं तो इसके पास में दूर में भी रह रहा हूँ। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस दोनों ही जोन्स बहुत साफ दिख रहे हैं, चारों जोन होते हैं, चार जोन कैंडल के होते हैं, बहुत क्लियर है। इमेजिनेशन में कुछ भी कहा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं एक आदमी इसके अंदर बैठा हुआ है जो कि एक ध्यान मुद्रा में बैठा है, ऐसा भी दिख सकता है, लेकिन वो कोई सच नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप अवेकनिंग की अवस्था में है तो आपको जो कैंडल का लाइट है वो आकर्षित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो जहाँ भी जलेगी वो आपको अंदर से प्रसन्नता देगी, चाहे वो दिया जल रहा हो, चाहे वो मोमबत्ती या ऐसी पीली कोई भी लाइट, या चाहे आग हो। जब मैं थोड़ा दूर करूँ, अभी दूर करना और पास करने के बारे में मेरे कोई नियम नहीं है, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है और जैसे मैं कर रहा हूँ, शायद इससे नेचुरल सी बात है कि आइज के मसल्स उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, उसी हिसाब से प्यूपिल जो है डायलेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा।
Initially, I concentrated on this point. Later, I shifted to this point. This can be called as sitting in silence with a candle. It is better you think that this candle is your romantic love, so you will find it very easy. You can sit like this. You concentrate on the various parts. See, so the overall it is really peace. मतलब बिल्कुल शांति है, इसमें कोई दोराय नहीं है. It's peace and it's a very good thing for concentration. You concentrate on the aura part. You concentrate on the different parts of flame. आप इसके aura, फिर ये flame काफी बड़ा आपको दिखाई देने लगता है. फिर इसके अंदर जो चार zones हैं वो आप देख सकते हैं. और इसके बाद आपको जो मैंने थर्ड आई का अपना एक्सपीरियंस अभी अभी का बताया कि ये फ्लेम ऐसे कैसे अंदर थर्ड आई के रूप में आपको दिखाई देती है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और इसे आप कर सकते हैं और इसको आप पीसफुली देख सकते हैं. थोड़ी देर आप बैठते हैं, देखते हैं कुछ अगर और कुछ मिलता है. सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि ये फ्लेम आपके अंदर ही थर्ड आई के रूप में आपको दिखाई देती है, वो भी इन्वर्टेड. वो ग्रीन कलर की थी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ.
ये फ्लेम इतना ब्राइट हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। Think it is done, it's almost done and it is wonderful. So there were three points. One, you can ek to aap isko apne andar hi dekhenge, you can see it inside you, okay, in the form of third eye with a blue you know aura surrounding it. One, second is the flame will become infinitely beautiful, matlab means it will spark like anything. Iska jo flame ka jo jyoti hai wo bahut hi teevra ho jayega, its intensity increases like anything. And thirdly is you focus on the different part, the distance changes, obviously the focal length and the focus changes. The muscles, sometimes you aap kuch baar yahan se dekh rahe ho, kabhi aap peeche se dekh rahe ho, kabhi aap upar se dekh rahe ho, kabhi aap peeche se dekh rahe ho, kabhi aap side se dekh rahe ho. So there are various things and naturally it is going to give you peace. Thank you.